नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सिलसिला बाजारों का में। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और सिलसिला बाजारों का में आप सबके लिए एक बार फिर से लेकर हाजिर हूं यहां पर कम्युनिटी बाजार का अपडेट लेकर। जानेंगे कि आज सुबह के कारोबारी सत्र में कम्युनिटी बाजार कैसा खुलता नजर आ रहा है, किस कम्युनिटी के अंदर कितनी मंदी तेजी देखने को मिल रही है और इस पर रूपा मेहता की क्या राय रहेगी, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। रूपा जी, देख रहे हैं कैसे सीड का मार्च वायदा 6722 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है। आज 1.25% की गिरावट देखने को मिली है। रूपा जी, जो कैसे सीड का वायदा बाजार हमने कल को 7000 के पार जाते हुए देखा था, आज देख रहे हैं कि वो करेक्शन के साथ ट्रेड करता नजर आ रहा है, एक हल्की सी करेक्शन बनती नजर आई है। आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से वायदा बाजार अब एक सीमित दायरे में देख हो जाएगा या फिर यहाँ से खरीदारी निकलेगी और फिर से एक बार जो वायदा बाजार 7000 के पार निकलेगा? देखिए, तेजी बनी रह सकती है और जो एक्सपेक्टेशन है आगे चलकर एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है और मुझे लगता है कि करेक्शन के बाद एक बार फिर से बाइंग आएगी और 7000 तक ये लेवल देखने को मिल सकते हैं। जी रूपा जी, देख रहे हैं बिनौला खलगा फरवरी वायदा 3244 पर ट्रेड करता नजर आ रहा है, लेकिन करेक्शन भी बन चुकी है। आपको क्या लगता है, करेक्शन गहराएगी या फिर यहाँ से बाइंग निकल जाएगी? देखिए, बिनौला खल में करेक्शन जो है छुटमुट करेक्शन बनी रह सकती है, कोई बहुत ज्यादा करेक्शन की एक्सपेक्टेशन नहीं है क्योंकि निचले स्तरों पर रिकवरी आ चुकी है और मुझे लगता है कि यहां से 3400 तक एक बार बिनौला जाता हुआ दिखाई दे सकता है। जी रूपा जी, बात करें अगर मसाला कॉम्प्लेक्स की तो देख रहे हैं कि धनिया और जीरा ठीक ठाक लेवल्स पर ट्रेड करते नजर आ रहे हैं, कल के मुकाबले आज हल्की सी करेक्शन है। आपको क्या लगता है, क्या यहां से अभी कुछ करेक्शन आएगी या फिर यहां से जो बाइंग है वो इनिशिएट होती रहेगी और यहां से जो कीमतें और अच्छे लेवल्स की ओर जाएंगी? देखिए, फंडामेंटली स्पाइसेस जो है वो काफी सपोर्टिव है, फंडामेंटल सभी स्पाइसेस जो है वो सपोर्ट लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे वो धनिया हो या फिर जीरा, इनमें तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है और धनिया आज इंट्राडे में लुढ़क सकता है, लेकिन जब तक 10000 के ऊपर सस्टेन है, पॉजिटिव है और ऊपर में 12000 तक एक बार जाता हुआ दिखाई दे सकता है। वही अगर बात करें जीरे की तो जीरे में भी 22 से 22.5 हजार का लेवल एक्सपेक्टेड है कि देखने को मिल सकता है। आज इंट्राडे में करेक्शन आ सकती है, करेक्शन के अंदर एक बार फिर से बाइंग करके चला जा सकता है। जी रूपा जी, बात करें अगर ग्वार की तो ग्वार में देख रहे हैं कि ऊपरी स्तर से मुनाफा वसूली बनी है, कल को ग्वार में 12000 के ऊपर का लेवल देखने को मिला था लेकिन आज मुनाफा वसूली भी बन गई, ज्यादा वॉलेटिलिटी ग्वार के अंदर देखने को मिल रही है। ग्वार सीड भी करेक्शन के साथ ही ट्रेड कर रहा है, आपको क्या लगता है, क्या यहाँ से करेक्शन और ज्यादा बढ़ेगी या फिर यहाँ से बाइंग भी इनिशिएट हो सकती है? देखिए, छुटमुट करेक्शन और बढ़ सकती है लेकिन बहुत ज्यादा अभी फिलहाल करेक्शन एक्सपेक्टेड नहीं है क्योंकि लेवल टेक्निकली देखा जाए तो काफी ऊपर सस्टेन हो रहा है मार्केट, यहाँ पर सस्टेन होना और मुझे लगता है कि यहाँ से एक नई तेजी की ओर इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर एक और तेजी आती हुई दिखाई दे सकती है। तो ग्वार के अंदर भी मुझे लगता है कि 10000 एक मैक्सिमम डाउनसाइड कैप हो सकती है और अपसाइड में 12000 ये अभी रेंज है, अगर इस रेंज को ब्रेकआउट करता है अपसाइड में या डाउनसाइड में तो फिर वो लेवल्स जो है आगे के फर्दर बनते हुए दिखाई दे सकते हैं। 12000 के ऊपर निकलता है तो आपको 15000 तक की तेजी देखने को मिल सकती है और अगर 10000 के नीचे लुढ़कता है तो फिर डाउनसाइड में 8000 तक के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। फिलहाल अब सब कुछ डिपेंड करेगा डिमांड के ऊपर, क्या इन लेवल्स के ऊपर मार्केट में अगर डिमांड निकलती है तो वापस से बाजारों में तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जी रूपा जी, दर्शक जुड़े हुए हैं कृष्ण गोयल जी, जिनका सवाल ग्वार सीड को लेकर आ रहा है, ये जानना चाह रहे हैं ग्वार सीड कब तक बेच देना चाहिए? देखिए, अभी भी लेवल काफी अच्छे हैं, अगर ज्यादा क्वांटिटी में है तो आप इन लेवल्स पर भी एग्जिट ले सकते हैं क्योंकि काफी ऊपरी स्तरों पर बाजार सस्टेन है, अदरवाइज 10000 को स्टॉप लॉस लेके आप पोजीशन को कैरी भी करके चल सकते हैं। जी रूपा जी, बात करें अगर कॉटन की तो कॉटन में आपको क्या लगता है, खबरें निकल के सामने आई है कि जो चाइना है अपनी कॉटन की क्रॉप बढ़ा सकता है आने वाले समय में, कॉटन की जो प्लांटेशन है उस पर ज्यादा जोर दे सकता है, ऐसे में आपको क्या लगता है कॉटन में अब लेवल्स क्या रहेंगे, क्योंकि कल के सत्र में तो हमने देखा था कि जो कॉटन थी 38000 की पार थी, तो क्या आने वाले समय में कॉटन में अभी और तेजी बन पाएगी? देखिए, अभी तो बाजार ऑलरेडी काफी तेजी के साथ है और यहाँ से बन भी सकती है तेजी और अगर बनती है तो फिर 40000 तक का लेवल हो सकता है देखने को मिले, लेकिन थोड़ा मुश्किल लग रहा है क्योंकि मार्केट जो है काफी ऊपरी स्तरों पर ऑलरेडी सस्टेन कर रही है और मुझे लगता है कि यहाँ पर माल भी काफी लिक्विडेट होता हुआ इन लेवल्स पर दिखाई दे रहा है और अभी जिनके पास रखा भी हुआ है तो मेरे हिसाब से 50-60% माल को निकालना चाहिए क्योंकि काफी अच्छे लेवल है, 10-20-30% आप रोक सकते हैं कि अगर और फर्दर तेजी बनी तो वहां पर एग्जिट ले, लेकिन ओवरऑल बाजार यहाँ से करेक्शन में भी जाता हुआ दिखाई दे सकता है तो अभी फिलहाल देखना होगा कि कितना टाइम सस्टेन कर पाता है इन लेवल्स के ऊपर और आगे चलकर करेक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड है कि प्राइसेस गिर सकते हैं। जी ये से रूपा जी, बात करें अगर मेंथा की तो मेंथा में आपको क्या लगता है,
दर्शक भी जानना चाह रहे मेंथा में आगे कितनी तेजी मंदी है। देखिए मेंथा में फिलहाल तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि काफी टाइम से हम देख रहे हैं कि एक रेंज में मेंथा ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, 1000 के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाता है और वहां से लगातार हम इसको करेक्शन में जाते हुए देख रहे हैं। तो मुझे लगता है कि मेंथा एक सीमित दायरे में फिलहाल कारोबार करता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल डिमांड पिकअप होती हुई दिखाई नहीं दे रही है, जिसके चलते प्राइजेस जो है काफी सीमित दायरे में है और 1000 रुपए के नीचे बने हुए हैं। तो अभी लेवल जो है वो यही रह सकता है 920 से लेकर 980, 1000 मैक्सिमम। बहुत ज्यादा भी फिलहाल इस कमोडिटी में मूवमेंट एक्सपेक्टेड नहीं है और मेरे हिसाब से इसको थोड़ा सा दूर रहना चाहिए इसमें बाइंग करने के लिए। जी यजुर भाई, बात करेंगे सोयाबीन की, तो सोयाबीन में देख रहे हैं कि वायदा बाजार पर 6600 के ऊपर सस्टेन हो रखी है, ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सोयाबीन आगे चलकर 7000 के भी लेवल्स दिखा पाएगी, क्या सोयाबीन में तेजी देखने को मिल पाएगी, क्योंकि देख रहे हैं कि विदेशों में तो सोयाबीन में लगातार तेजी ही है, तो क्या उसका असर घरेलू बाजार पर भी देखने को मिल सकता है हाजिर और वायदा पर? देखिए बिल्कुल देखने को मिल सकता है और एक्सपेक्टेड है कि सोयाबीन एक बार 7000 तक का स्तर छूते हुए दिखाई दे सकती है। जी ये सर पर बात करेंगे सरसों की, तो सरसों में आपको क्या लगता है, हमारे पास बहुत सारे सवाल भी आते हैं सरसों को लेकर कि क्या अभी सरसों में तेजी आ सकती है आगे जाके, जिस हिसाब से इस बार की फसल ज्यादा बताई जा रही है, क्या सरसों को भी रोकना चाहिए या बेच देना चाहिए? देखिए सरसों में अभी फिलहाल बहुत ज्यादा तेजी बनती हुई दिखाई नहीं दे रही है। देखिए अराइवल प्रेशर के चलते थोड़ा सा बाजार गिर सकता है, लेकिन थोड़ा सा मेरे हिसाब से वेट भी कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि अराइवल्स कैसी रहती है उसके ऊपर काफी डिपेंड करेगा और आगे डिमांड कैसे पिकअप होते हैं। देखिये यहाँ से अब तेलों की कीमतें नीचे तो आने वाली नहीं है, क्योंकि बहुत ज्यादा कोई गिरावट तो एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बाजार कंसोलिडेट हो चुका है और या फिर यूं कहे कि एक सेट माइंडसेट बन चुका है कि हाँ ये लेवल्स बने रहेंगे तेलों के, तो अभी कोई गिरावट की तो उम्मीद फिलहाल नहीं है। अगर तेजी बनती है तो वहां पर एग्जिट करना ज्यादा सही होगा, छुटमुट आप वेट कर सकते हैं टाइम के लिए। फर्दर मुझे लगता है कि अराइवल्स आने दीजिए, अराइवल्स जब आने बंद हो जाएंगे उसके बाद देखना होगा कि मार्केट का सिनेरियो कैसा है, तो उसके बाद हो सकता है कि तेजी बनती दिखाई दे, क्योंकि वर्ल्ड वाइड तो मार्केट काफी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और मुझे लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट भी इसका फायदा उठाते हुए और आज सभी कमोडिटीज जो है वो गिरावट के साथ इंट्राडे में बिकवाली की तरफ रहा जा सकता है, लेकिन वही लॉन्ग टर्म में बाइंग ही करना है। जैसे कि कैस्टर्ड है, कैस्टर्ड में गिरावट पर खरीदारी कर सकते हैं, विरोला खल में गिरावट पर खरीदारी की जा सकती है और स्पेशली मसालों में गिरावट के अंदर खरीदारी करके चल सकते हैं। आज इंट्राडे में किसी भी कमोडिटी के अंदर आप गिरावट में रह सकते हैं, बिकवाली कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म आज इंट्राडे का टारगेट ले सकते हैं 200 से 500 पॉइंट की अगर करेक्शन आती है गुआर में या फिर मसालों में, तो वहां पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया रूपा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। तो ये था एक छोटा सा कम्युनिटी बाजार का अपडेट कि आज कम्युनिटी बाजार सुबह के सत्र में कैसा खुलता नजर आ रहा है और उस पर रूपा मेहता की क्या राय थी। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट एमसीबी पर।